नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के डिफेंस डिस्कशन एपिसोड 16 में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में और जानेंगे कि कावेरी इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अभी इसका करंट स्टेटस क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को साफरान की हेल्प से अभी रिजॉल्व कर लिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसा डिफेंस डिस्कशन लेके आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कावेरी इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1981 में आया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये प्लान किया था कि वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे जिसका नाम उन्होंने तेजस दिया था। तो तेजस को प्रोपेल करने के लिए कावेरी इंजन का कॉन्सेप्ट आया था। तो कावेरी इंजन का पूरा नाम GTX-35 VS कावेरी इंजन है, जिसे बैंगलोर स्थित गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर रही है, जो कि DRDO की ही एक लैब है। और 1989 में तकरीबन इसके दो छोटे प्रारूप डेवलप कर लिए गए थे जो कि 65 किलो न्यूटन थ्रस्ट डेवलप करने में सक्षम थे। उसके बाद 1995 में तकरीबन इसका मेन कोर तैयार कर लिया गया था और ये जो कोर प्रिपरेशन है ये तकरीबन 1995 से लेकर 1999 तक चला, जिसमें चार कोर तैयार किए गए जिनका नाम दिया गया कंपनी C1 से लेकर कंपनी C4 तक। और इन कंपनी कोर्स की टेस्टिंग तकरीबन 400 घंटे से भी ज्यादा की गई इस 4 साल के दौरान। और तब जाके 1999 और 2000 में सभी कोर से आए हुए एक्सपीरियंस को मिला के एक नया प्रोटोटाइप डेवलप किया गया, जिसे कावेरी K4 का नाम दिया गया। और इसी तरह करते करते तकरीबन 4 और प्रोटोटाइप बनाए गए, जैसे कावेरी K4, कावेरी K5, कावेरी K6, कावेरी K7, K8 और उसके बाद जाके कावेरी K9 बन के तैयार हुआ, जिसको हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रसिया भेजा गया, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए जो फ्लाइंग टेस्ट बेड होता है वो इंडिया के पास नहीं था और अभी भी नहीं है। उसको बनाने के लिए अभी DRDO लगी हुई है। तो फ्लाइंग टेस्ट बेड बेसिकली एक एयरक्राफ्ट होता है जिसपे किसी भी इंजन को माउंट करके उसे एक ऑप्टिमल ऑल्टीट्यूड पे ले जाया जाता है कि वहाँ पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से इस इंजन को हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए फ्लाइंग टेस्ट का यूज करके टेस्ट किया जाता है और इसके लिए रसिया यूज करता है एल्यूसिन 76 का एक वर्जन। तो चलिए आइए जानते हैं कावेरी को थोड़ा और डिटेल में। तो जो इसकी मुख्य प्रॉब्लम थी 2004-2005 में वो थी कि जब इस इंजन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन किया जाता था तो ये इंजन ब्लेड्स फेंकने लगता था। और ये इसलिए होता था क्योंकि कावेरी इंजन यूज करता है डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो जेट इंजन के ब्लेड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लेड्स, दूसरा होता है डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड और तीसरा होता है आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। जो पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लेड होते हैं उनका इजाद 1940s में किया गया था, जिसे बनाया गया था टाइटेनियम और अल्युमिनियम जैसे अलॉय को एक जगह मिक्स करके बनाया गया था, जिसके अंदर स्ट्रेंथ तो थी लेकिन डक्टिलिटी नहीं थी। उसके बाद आए डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड, इनको बनाया गया था 1960-65 में और इन ब्लेड्स के पास डक्टिलिटी थी लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम कावेरी में आ रही थी के पास डक्टिलिटी थी लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। और डक्टिलिटी होने की वजह से ये ब्लेड्स फेंक रहा था, अगर वहीं पे इसके साथ स्ट्रेंथ भी होता तो ये ब्लेड नहीं फेंक रहा होता। अब आते हैं सिंगल क्रिस्टल लाइन ब्लेड पे। तो सिंगल क्रिस्टल लाइन ब्लेड इनका इजाद 1980s में किया गया और ये ब्लेड्स बेसिकली सिर्फ एक क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें जो ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं ना के बराबर होती हैं इसमें, और इसमें जो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम होता है, जिसकी वजह से ये बेस्ट ब्लेड्स कंसीडर किए जाते हैं किसी भी जेट इंजन के लिए। तो वैसे तो कावेरी इंजन के ब्लेड फेंकने वाली प्रॉब्लम को एक्मा की हेल्प से, जो कि अब साफरान है, उस टाइम रिजॉल्व कर लिया गया था ब्लेड शूज लगा के, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए एक बार कावेरी इंजन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो कावेरी इंजन एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है, जिसमें 6 स्टेज दिए गए हैं हाई प्रेशर कंप्रेशन के लिए, जिसके साथ होगा इनलेट गाइड वेन्स IGV और इसमें 3 स्टेज का लो प्रेशर LP कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसमें ट्रांसोनिक ब्लेडिंग दी गई है और इसका जो कम्बशन चैम्बर है वो एक एनुलर कम्बशन चैम्बर है और इसमें दिया गया है कूल्ड सिंगल स्टेज लो प्रेशर टर्बाइन एंड हाई प्रेशर टर्बाइन। तो दो तरह के टर्बाइन जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसमें दिए गए हैं। और इसके जो नोजल है उसको दी गई है मल्टी एक्सिस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल, जो कि एक 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल होगा और ये इसलिए बनाया गया था GTRE द्वारा ताकि ये LCA तेजस को और एक्स्ट्रा एजिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब है इसकी जो बनावट है वो करीबन सेम है GEK-414 स्नेकमा द्वारा निर्मित M88 और यूरोजेट द्वारा निर्मित EJ-200 के बराबर ही है। इसका बाईपास रेशियो 0.16:1 है और जितना भी अमाउंट ऑफ एयर जो बाईपास करता है ये इंजन वो ये यूज करता है नोजल को कूल करने के लिए। और इसका प्रेशर रेशियो इनलेट और आउटलेट का 4:1 है और अगर आप प्रेशर रेशियो देखोगे कंबशन चैम्बर और आउटलेट का तो वो 27:1 है। तो जिसका मतलब ये है कि ये हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस को इस कैपेबल बना सकता था कि वो बिना किसी आफ्टर बर्नर के यूज किए
सुपर क्रूज कर सके। मैं आपको बता दूं, आफ्टर बर्नर का यूज करने से कोई भी फाइटर जेट हीट सिग्नेचर है वो बढ़ जाता है और दुश्मन के रडार पे वो ज्यादा जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तेजस को इस काबिल बना सकता था कि वो बिना किसी आफ्टर बर्नर के यूज किए सुपर क्रूज कर पाता। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की कंट्रोल्स की। तो इसमें दिया गया है फुली अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC, जिसको GTRE ने नाम दिया है कावेरी डिजिटल इंजन कंट्रोल यूनिट KADEUC। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कावेरी इंजन पे अब तक तकरीबन 2200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इसके R&D में, और ये अमाउंट एक कम अमाउंट बताया जाएगा कंपेयर की वेस्ट में, जहां पे इस तरह के R&D में इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और आपको बता दूं, अभी फिलहाल कावेरी इंजन तकरीबन 52 kilonewtons का ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, और इसने मैक्सिमम थ्रस्ट जो अपने आफ्टर बर्नर स्टेज में प्रोड्यूस किया है वो तकरीबन 81 kilonewtons का प्रोड्यूस किया है। लेकिन जो एवरेज थ्रस्ट है आफ्टर बर्निंग स्टेज में वो 73-75 के अराउंड ही रह रहा है, और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो देखते हैं इसमें इशू कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसका पहला इशू है वो इसके फैन ब्लेड फ्लटर रिस्क को लेके है। तो जब ये इंजन रन करता है, जब इसके फैंस चलते हैं, स्पेशली आफ्टर बर्निंग स्टेज में फैन की स्पीड और फास्ट हो जाने से इसका जो फैन का एक्सियल ऑसिलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक सेल्फ वाइब्रेशन क्रिएट होता है फैंस में, और जो काफी रिस्की होते हैं इंजन के डक्ट फैंस के लिए। तो जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख भी रहे होंगे, फैन ब्लेड फ्लटर आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों है? तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडिया के टेरेन को देखते हुए GTRE के इंजीनियर्स ने फैन डिजाइन किया होगा कि वो हर तरह के टेम्परेचर और अल्टीट्यूड को बियर कर पाए। तो फिर चाहे वो डेजर्ट में हो या फिर कोल्ड एरिया में हो, तो ये इंजन हर एनवायरनमेंट में सही से काम कर पाए। तो इस सोच को देखते हुए उन्होंने ये डिजाइन किया होगा, जिसका नतीजा है कि ये फैन ब्लेड फ्लटर अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कावेरी इंजन में आ रहे दूसरे सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में। तो ये प्रॉब्लम है रीहीट ऑसिलेशन की, जो कि कावेरी इंजन एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आफ्टर बर्निंग फेज में। जैसे ही इसे आफ्टर बर्निंग फेज के लिए रीहीट किया जा रहा है, तो इसका जो कम्बशन ऑसिलेशन है वो बढ़ जा रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आफ्टर बर्निंग फेज में क्या होता है, जो टर्बाइन का हॉट आउटलेट होता है वो नोजल की तरफ आ रहा होता है। तो उस दौरान यहाँ पे उसे एक्स्ट्रा फ्यूल देके बर्न किया जाता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कुछ हॉट एयर एक जेट पाइप में एंटर कराया जाता है। बेसिकली ये जेट पाइप ये होता है आपके इंजन की केसिंग और कम्बसन चेंबर के बीच में एक और लाइनिंग स्टेब्लिश करके इसे जेट पाइप के रूप में बनाया जाता है, जिसमें टर्बाइन से आ रहे हॉट गैस एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आउटलेट हॉट गैस एंटर करती हैं, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये दोनों जेट पाइप लगाए गए होते हैं। तो बेसिकली कावेरी में प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे ही इसे रीहीट किया जा रहा है यहाँ पे और पाइप्स के थ्रू, डिफरेंट पाइप्स के थ्रू फ्यूल दिया जा रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ रहा है, साथ ही जो कम्बेशन का ऑसिलेशन है वो भी बढ़ रहा है, और ये दोनों लाइनिंग इतना टेम्परेचर विदस्टैंड नहीं कर पा रही है। तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको स्टॉप करना पड़ जा रहा है। तो ये मुख्य प्रॉब्लम इसमें आ रही है, और इस प्रॉब्लम की वजह से जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो भी बढ़ जा रहा है। तो ये थी इसकी सेकंड मेजर प्रॉब्लम कावेरी इंजन के साथ। तो चलिए देखते हैं कावेरी इंजन में थर्ड मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है। और इसकी जो थर्ड प्रॉब्लम है वो इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ ही है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया था कि इसके जो ब्लेड्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, और इसके थर्ड इशू में ये है कि जो इसका फर्स्ट स्टेज का ब्लेड्स हैं उसमें भी काफी वाइब्रेशन देखा गया है। और ये प्रॉब्लम तब आ रही थी जब इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर जो 36 राफेल का ऑफसेट डील था उसमें कावेरी को अभी इंक्लूड नहीं किया था, तब ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जब इसे साफरान रिजॉल्व कर रही है, तो इस फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन में आने वाले रोटर ब्लेड के वाइब्रेशंस है उनको कंट्रोल कर लिया गया है, तो ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। और इसका जो पहला इशू था उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया है, जो फ्लटर का इशू था। लेकिन जिसका मेन इशू था आफ्टर बर्निंग फेज में कम्बसन में ऑसिलेशन का आना, तो वो इशू अब तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था आपको कि इस इंजन को अभी लिमिटेड फ्लाइंग टेस्ट के लिए दिया गया था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही टेस्ट किया गया था इसे, क्योंकि एक आफ्टर बर्निंग स्टेज में ज्यादा देर तक रहने के बाद ये कम्बसन ऑसिलेशन की प्रॉब्लम आने लग जा रही है। तो ये चार इसके मेन इशू थे, इसमें से तीन तो रिजॉल्व कर लिए गए हैं, लेकिन एक जो कम्बसन ऑसिलेशन का इशू है इसे अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है। इसको रिजॉल्व करने के लिए पूरे कंप्लीट डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो कावेरी इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो M88 के बराबर है, जो कि राफेल में लगा हुआ है। तो बहुतों का मानना यह है कि अगर राफेल में दो इंजन लगा के राफेल को उड़ाया जा सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम कावेरी के दो इंजन लगा के किसी फाइटर जेट को उड़ा लें। तो हाँ, ये मानते हैं कि कावेरी इंजन में और राफेल के M88 इंजन में जो ड्राई थ्रस्ट है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो सेम है। जैसे कि राफेल में 50 point something है के ड्राई थ्रस्ट पावर के रूप में, और उसके आफ्टर बर्निंग पावर में तकरीबन 75 kilonewtons के आसपास है M88 इंजन में, वही कावेरी में भी सेम ही है। तो हम कावेरी इंजन को किसी एक फाइटर में दो इंजन के रूप में इसलिए यूज नहीं कर सकते कि जो कावेरी इंजन का वेट है वो तकरीबन 1300 किलो के आसपास है, और वहीं पे राफेल के M88 इंजन का वेट है 890 kg के अराउंड है। इतना हैवियर इंजन जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है उसमें गड़बड़ी कर देता है। जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है राफेल के इंजन M88 का वो 8.52:1 का है आफ्टर बर्निंग फेज में, वहीं पे कावेरी का 7.21:1 का है।
तो ये काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसलिए कावेरी के दो इंजन लगाने से कोई भी एयरक्राफ्ट काफी हैवी हो जाएगा। तो फिर इस इंजन का अब क्या होगा, तो आइए सुनते हैं जीटीआरई के डेप्यूटी चीफ क्या कहते हैं, उनका मानना क्या है इस इंजन को लेके। एज अ ड्राई इंजन इट इज गेटिंग टेस्टेड फॉर सम ऑफ द एप्लीकेशंस व्हाट वी नीड टू हैव हियर। द फ्लाइंग टेस्ट बेड यस टुडे इज नॉट फुल्ली अवेलेबल विद अस बट सम टेस्ट्स आर बीइंग डन हियर and couple of other tests will be done outside. This is the situation about Kaveri's development today. Dry engine, it will be tested here and used for some of the applications here. तो जी हाँ दोस्तों, उनका मानना यह है कि कावेरी इंजन के दो वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। पहला आपका कावेरी मरीन गैस टर्बाइन है KMGT, जिसको GTX 35V कावेरी के शिप वर्जन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे शिप में लगाया जाएगा। और इसका जो दूसरा इंजन है वो इंडिया के इंडिजिनस घातक अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV के लिए दिया जाएगा, जो कि DRDO द्वारा निर्मित ऑरा में लगाया जाएगा। तो ये इसके अभी दो मेन एप्लीकेशन बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो उम्मीद है कावेरी इंजन के डेवलप हो जाने की वो अब बहुत कम ही रह गई है, जो कि किसी भी फाइटर जेट पे यूज किया जा सकेगा, क्योंकि 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट से कोई भी फाइटर जेट रन नहीं करने वाला है और आप दो इंजन लगा नहीं सकते हो। तो ये था कावेरी इंजन के साथ आ रहे प्रॉब्लम्स के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।